अब सुनो कहानी व्यापारी की। अकबर के राज्य में एक दिन पूरी तरीके से खजाना खाली हो गया। अकबर के राज्य का खजाना खाली हो गया तो अकबर ने किसको बुलाता, ऐसे बुरे वक्त में किसको बुलाता अकबर? बीरबल को। बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल खजाना खाली हो गया, बता क्या करना चाहिए? बीरबल ने बोला, साहब इस राज्य का एक व्यापारी है, वो ही मदद करेगा अब तो, बुरे वक्त में और कोई नहीं कर सकता। उस व्यापारी को बुलाया, व्यापारी से बोला, मदद करोगे? हाँ साहब करूंगा। खजाना खोल दिया व्यापारी ने अपना। पूछा, तेरे पास इतना रुपया कहाँ से आया रे, इतना सामान कहाँ से आया रे? कि कुछ नहीं साहब, मैं टैक्स को चोरी करना जानता हूँ, कैसे कैसे चोरी होता है टैक्स, मैंने आप ही के जितने टैक्स थे ना उन्हीं में से सब बचा बचू के इतना सामान इकट्ठा कर लिया। अकबर का दिमाग खराब हो गया, टैक्स चोरी करता है, सामान तो ले लिया, इसको अपने हस्तबल में नौकरी कराओ, घोड़ों का हस्तबल है ना, वहां इसको घोड़ों की लीद उठवाओ। देखो प्रकृति, उसने सब दे दिया और इतना सच्चा बोल गया और परिणाम क्या मिला? अस्तबल, किसी को कंप्लेन नहीं, किसी से कुछ नहीं बोला, उसने संभावनाएं खोजना चालू की। अब क्या संभावना है? क्योंकि व्यापारी असली डीएनए होता है ना व्यापारी, वो संभावना खोजता है। अब उसका क्या काम था? घोड़ों की लीद उठाने का काम। 6 महीने बाद अकबर का खजाना फिर खाली। खजाना खाली किसको बुलाता? बीरबल को। बीरबल को बोला, भाई अब क्या करें, खजाना फिर खाली हो गया। बीरबल ने बोला, उसी को बुलाना पड़ेगा। अरे कि उसके पास अब क्या सामान बचा है, वो तो अपने घोड़ों की लीद उठाता है। कि नहीं, वो व्यापारी है, उसको बुलाओ, मदद वही करेगा और कोई कर ही नहीं सकता। उसको वापस बुलाया, भाई खजाना खाली हो गया, कोई मदद कर सकता है? हाँ साहब लो, पहले से ज्यादा लो। अकबर ने बोला, अब की बार कहां से लाया रे तू? कुछ नहीं साहब, आपके जितने भी घुड़सवार थे, जितने भी सेनापति थे, सब भ्रष्टाचारी थे, सारे भ्रष्टाचारियों को बोला तुम्हारी पोल खोल दूंगा, मुझे सही मुद्राएं, सोने की मुद्राएं देते जाओ, नहीं तुम्हारा गेम ओवर। वहीं से कमा लाया मैं तो भाई साहब। अकबर का गुस्सा चरम सीमा पे, इसको समुद्र के किनारे छोड़ के आओ जहां पे जहाज गिनेगा, इसका सारे दिन एक ही काम है, जहाज गिनेगा, कितने आए कितने गए। ठीक है भाई साहब, वो वहां गया। 6 महीने बाद अकबर का खजाना फिर खाली। अकबर ने बोला, बीरबल अब क्या करें, उसी को बुलाना पड़ेगा। अरे उसके पास तो निचोड़ लिया, अब क्या बचा है? कुछ भी हो जाए, बुरे वक्त पे देश को चलाने के लिए व्यापारी की जरूरत है। अरे कि सच में, कि हाँ बुलाओ, भाई मदद करेगा? हाँ साहब, पहले से डबल ले लो। अरे अब की बार कहां से लाया? कि जहाज में जितने लोग आते थे, लोग इधर उधर का माल इधर उधर करते थे, सबको कह दिया, राजा ने मेरी ड्यूटियां लगाई है, टाइम पे टैक्स दे दो, टाइम पे सामान दे दो, सारे जहाजों के ऊपर तुम्हारे ऊपर ड्यूटी लगा दूंगा, नहीं तो। वहां से कमा लाया। अगर मूर्ख होता और डीएनए व्यापारी का नहीं होता तो रोता रे। घोड़ों की लीद में से सामान निकाल लाया, जहाजों को गिनने में से सामान निकाल लाया। इसे कहते हैं धरती का असली व्यापारी, जो इंसान अपनी जिंदगी में संभावनाओं को गोबर में से भी निकाल लाए। और वो हैं कर्म फूटे धरती के, जिनके पीढ़ियों से कई सामान आ गए लेकिन उसने बत्ती लगा के रख दी।